tear us apart and bury me. All in my head alone, calling your name but only feel the cold. I sense the change in energy. All of my fuse is blown. If I burn inside, building a bonfire. I'm losing myself with the flames getting higher. All of the problems that I couldn't help. Oh, I'm building a bonfire. Hopelessly, I keep on losing myself. With the flames getting higher, all of the problems that I couldn't help. Oh, I'm burning a bonfire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रहा है मेरा, और क्रूज पे आज ये मेरा लास्ट डे है। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से चाय और कुकीज़ से कुछ कर रही हूँ मैं। तो बस नाश्ता करके निकलेंगे। गोवा फाइनली पहुँच ही गए, बस थोड़ा सा ही दूर है। तो बस दूर मतलब काफ़ी करीब में ही है, बस ये लगेगा फिर निकलेंगे। तो नाश्ता करने का था तो नाश्ता करके ही यहाँ से निकलेंगे। तो वही मैं बैठी हूँ इनके फूड कोर्ट पे। तो बस जैसा जो सफ़र था बहुत ही बढ़िया था। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो कॉर्डेलिया क्रूज का जो मैंने वीडियो डाला था। तो बातों बातों में मेरा ये ब्रेकफास्ट भी मैंने ले लिया है, कुछ चिकन सॉसेजेस, पपाया, ब्रेड और बॉयल एग है और इडली है साथ में। तो चलिए फटाफट ये ब्रेकफास्ट मैं ख़त्म करती हूँ, उसके बाद निकलते हैं क्योंकि अब टाइम हो गया है इस ब्यूटीफुल से शिप को बाय बाय करने का, और सामान वगैरह भी मुझे समेटना है। तो फटाफट ये ब्रेकफास्ट ख़त्म करके मुझे जाना होगा अपने रूम में सब कुछ पैकअप करने के लिए। तो चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट ख़त्म करके उसके बाद आप लोग मिलते हैं। फूड कोर्ट देख सकते हो, सुबह सुबह भी काफ़ी भरा भरा सा स्टार्ट हो गया है, वरना काफ़ी इनका खाना और बाकी सब कुछ इनका बहुत ही A1 था। तो फाइनली मैं अभी मतलब सुबह होते ही थोड़ा इनके सन देखते आ गई हूँ, थोड़ा सुबह का व्यू एंजॉय करने के लिए। आप लोग देख सकते हो सुबह का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू लग रहा है मुझे, और काफ़ी मिस करूँगी ये ट्रैवल। ये मेरे लिए सबसे अल्टीमेट मेरे लिए ये जर्नी था जो कि मैं कभी भूल भी नहीं सकती। तो देख लो आप लोग भी सुबह का नज़ारा, काफ़ी अभी सन राइज भी अभी नहीं हुआ है तो ऐसा कुछ नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। आप लोग भी देख लो, काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा है क्योंकि अभी सनराइज़ नहीं हुआ है ना, इसीलिए अभी थोड़ा अंधेरा है, लेकिन व्यू कमाल का था। और मेरा जर्नी भी बहुत ही यादगार जर्नी रहेगा एक। आई होप कि आप लोग भी मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे मैं फाइनली गोवा पहुँच ही चुकी हूँ, जैसे देख सकते हो बस शिप से निकलना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, तो फाइनल अब ये सब व्यू को और ये शिप को देख लेते हैं। और देख सकते हो शिप बस लगने ही वाला है, बस हमारा सामान वगैरह जो है वो सब पैक करके निकलेंगे तो गोवा पहुंचेंगे। गोवा पहुंच के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तब का तब देखेंगे। तो फाइनली मैं अपने रूम में आ गई हूँ और सामान वगैरह मैंने समेट लिया है, बस निकलने का तैयारी हो रहा है। और मन नहीं कर रहा है रूम को छोड़ के जाने का, बहुत ही अच्छा था। बस यही था, इंटरनेट का सुविधा नहीं था तो घर वाले लोग से बात नहीं हो पा रही थी। और ये फाइनल लास्ट में सी व्यू इसका मैं इस रूम से देख ले रही हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। देख सकते हो अभी सनराइज नहीं हुआ है, होगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा लगा। आप लोगों को मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में दिखाया भी था। तो फाइनली मैं अपना सामान वगैरह लेके इनके गैलरी में आ गई हूँ। जैसे यहाँ पे ऑडिटोरियम था, इसमें यहाँ पे प्ले वगैरह भी होता है, तो ये प्ले वगैरह मैं नहीं देख पाई। तो यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपने निकलने का, जैसे कि आप लोग देख सकते बाकी लोग भी बैठे हुए हैं और सबको ये रो वाइज निकालेंगे। तो मैं अपने अभी क्रूज़ के बाहर आ चुकी हूँ, बाहर से कुछ इस तरीके का क्रूज़ दिख रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, कॉर्डेलिया क्रूज़, वन ऑफ द अल्टीमेट जर्नी ऑफ माइंड। बहुत अच्छा था मेरा ये जर्नी। तो बस फाइनली ये लास्ट में कैमरा इधर उधर घुमा ले रही हूँ, पता नहीं कब क्या मौका मिले फिर। तो चलिए फिर निकलते हैं अब यहाँ से। अब गोवा में आए हैं तो जैसा जो होगा आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ से मुझे निकल के कैब वगैरह लेना होगा, और सुबह सुबह में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। चलिए निकलते हैं, मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा। और ये यहाँ से पहले निकल जाते हैं,
सब यहाँ पे फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, मैंने भी फोटोज़ वगैरह लिए, आप लोग इंस्टाग्राम मेरे को दिखने को मिलेगा, तो आप लोग फॉलो भी कर लीजिएगा। तो मैं पहले निकल गई हूँ वहाँ से, टैक्सी स्टैंड ऑटो स्टैंड जो भी है, तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ। तो फाइनली मेरा कैब आ चुका था, तो मैं बैठ गई हूँ कैब में। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे सुबह सुबह, फ्लाइट तो वैसे रात का है, तो दिन भर मेरे पास टाइम है। वैसे गोवा में देखेंगे कुछ करने का, अगर कुछ रहेगा करने के लिए तो बहुत कुछ, और वैसे फर्स्ट टाइम मैं गोवा आई हूँ, तो देखते हैं क्या करेंगे। सोच रही हूँ क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, सो लेट्स सी क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, जैसा जो होगा आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइज, और जैसा जो करेंगे आप लोग को भी बताएंगे। और वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। और रास्ते का तब तक आप लोग शॉर्ट्स इन्जॉय करो। फाइनली मैं जहाँ पहुँच जा रही हूँ, जहाँ भी स्टे करूँगी, देखूँगी क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, वो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइज, और कुछ शॉर्ट्स आप लोग इन्जॉय करो। तो फाइनली मैं गोवा पहुंच चुकी हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और मुझे एक बेसिक सा रूम मिला है, क्योंकि अभी फुल होटल के रूम्स पैक चल रहे थे, तो मुझे जैसा जो मिला मैंने बुक कर लिया। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, चाय तो मुझे कहीं भी अच्छा नहीं मिला, क्रूज पे तो बढ़िया चाय मिला ही था, तो ये उन्होंने मैंने आते ही मैंने कहा भैया एक चाय भिजवा दो, बहुत ज़्यादा ही सर दर्द कर रहा है, और चाय थोड़ा बढ़िया बना के भिजवाना। तो जैसा कि देख सकते हो ये चाय तो दिखने से बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इसे चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों की चाय मुझे फाइनली कैसा मिला है गोवा में आके। तो चाय मैंने टेस्ट करा, चाय भाई बहुत ही बढ़िया था, और बिल्कुल भी मतलब पतला भी नहीं था, एकदम जैसा मुझे चाय पसंद है वैसा चाय था। चाय के तो पूरे एक नंबर, मुझे चाय बहुत ज़्यादा ही पसंद आया इनका, जैसा कि मैंने उनके इनको कहा था। तो बस जो था यही था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जो कि गोवा से रिलेटेड है, जो गोवा में मैंने जैसा जो भी किया वो आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।